हरियाणा में गन्ने की फसल पर टॉप बोरर के अटैक ने किसानों की नींद उड़ाकर रख दी है। गन्ने की फसल में ये कीट तेजी से लगातार फैलता जा रहा है और किसान इससे परेशान हैं। कीट का प्रकोप बढ़ने पर उत्पादन और गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कि चीनी उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है। किसानों के सामने पहले ही समस्याओं का अंबार है और अब गन्ने की फसल में लगे टॉप बोरर यानी अगोला बोधा कीट ने चिंता में डाल दिया है। गन्ने की फसल में ये कीट तेजी से फैल रहा है और किसान परेशान हैं। कीट का प्रकोप बढ़ने पर उत्पादन और गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है, जिससे चीनी उत्पादन पर असर आ सकता है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस कीट के फैलने से फसल की बढ़त प्रभावित होती है, गन्ने का उत्पादन गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है, पत्तियां खराब हो जाती हैं, जिससे हरे चारे की दिक्कत होती है। अगर खेत में ज्यादा पानी का भराव होता है तो इस कीट का प्रकोप बढ़ता है, चीनी की रिकवरी घट जाती है। हरियाणा के जिन जिन इलाकों में CO238 वैरायटी का गन्ना है, वहां ये कीड़ा और बीमारी ज्यादा मात्रा में पाई गई है और प्रभावित गन्ने के खेतों में 10-20% तक नुकसान हुआ है। यमुनानगर के किसान सतपाल कौशिक ने बताया कि उन्होंने अप्रैल महीने से ही स्प्रे करना शुरू कर दिया था, लेकिन कीड़े का बढ़ना कम नहीं हुआ, बल्कि कीड़े ने गन्ने की फसल को ही बढ़ने से रोक दिया, जिसके चलते उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विभाग के अधिकारियों से सलाह मशवरा किया। उनके द्वारा बताए गए स्प्रे भी किए, लेकिन गन्ने में बीमारी लगातार बढ़ती गई, जिसके चलते उन्हें भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि यहाँ तो विशेषज्ञों की समझ में ये कीड़ा और बीमारी नहीं आई और डाला गया स्प्रे घटिया और नकली हो सकता है, जिसने बीमारी को खत्म करने का काम नहीं किया। इस बीमारी से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान होने की संभावना है। हरियाणा में इस बार गन्ने की फसल में बड़ी भारी नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि गन्ने में जहां इस बार कीट पतंगों का बड़ा प्रकोप है, वहीं बीमारियां भी बड़ी भारी लगी हुई हैं। सरकार का विशेषकर कृषि विभाग का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। 200 से 300 करोड़ से अधिक की हरियाणा में गन्ना उत्पादक किसानों ने दवाइयों के रूप में, छिड़काव के रूप में गन्ने पे खर्च कर दिए हैं, लेकिन बीमारी पर कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसे लग रहा है कि जैसे मार्केट में जो कीड़ों के बीमारियों के पेस्टिसाइड के विक्रेता हैं, जैसे वो नकली दवाइयां बेच रहे हैं। उप कृषि निदेशक डॉक्टर जेएस सैनी का कहना है कि शुरू में किसानों ने इसमें ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते ये बीमारी तेजी से फैली। मौसम की वजह से ये बीमारी पैदा हुई है। यमुनानगर, करनाल, अंबाला और कुरुक्षेत्र में गन्ने की पैदावार ज्यादा होती है। बरसात कम होना भी एक कारण माना जा रहा है, क्योंकि बरसात अच्छी ना होने के कारण वातावरण में उमस रही, जिससे गन्ने की फसल में कीड़ा लग गया। उन्होंने कहा कि अगर इस कीट की चौथी और पांचवी पीढ़ी आ गई तो इससे 30-40% तक गन्ने की फसल को नुकसान हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस समय इस बीमारी को रोकना संभव नहीं है, क्योंकि गन्ने की लंबाई काफी हो चुकी है, उस पर कोई स्प्रे नहीं हो सकता, लेकिन जो गन्ने में ये कीड़ा लग चुका है उस गन्ने को निकालने से ये कीड़ा बाकी गन्ने में नहीं लगेगा, इसी से बचाव संभव है। टॉप बोरर की कुल 5 पीढ़ियां हैं। अभी तक 3 पीढ़ियां खेतों में पाई गई हैं, जिसमें लार्वा, सूंडी और तितली हैं। सितंबर और अक्टूबर में चौथी और पांचवी पीढ़ी के आगमन और आक्रमण करने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर किसान ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि अक्टूबर में गन्ने की कटाई शुरू होती है और इसका प्रकोप बढ़ सकता है, जिसके चलते न सिर्फ गन्ने को नुकसान होगा बल्कि चीन की रिकवरी भी कम होगी। पूरे हरियाणा में लगभग 2.5 लाख एकड़ में गन्ने की पैदावार होती है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में गन्ना पैदा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा गन्ना यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला के इलाकों में होता है। यमुनानगर से टोटल न्यूज के लिए राहुल सहजवानी की रिपोर्ट।